स्वागत है आपका आईटी सिंप्लीफाइड इन हिंदी पर। और आज हम बात करने वाले हैं प्रोसेसर के वर्टिकल सेगमेंट के बारे में। प्रोसेसर के वर्टिकल सेगमेंट का मतलब होता है कि वो प्रोसेसर किस तरह के डिवाइस के लिए बना है। इंटेल ने चार तरह का वर्टिकल सेगमेंट डिसाइड किया है: मोबाइल, डेस्कटॉप, सर्वर और एम्बेडेड। इसका मतलब यह हुआ कि इंटेल चार तरह के डिवाइसेस के लिए प्रोसेसर बनाता है: मोबाइल के लिए, डेस्कटॉप के लिए, सर्वर के लिए और एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए। अब जब हम बात करते हैं मोबाइल वर्टिकल सेगमेंट की, मतलब मोबाइल प्रोसेसर्स की, तो बहुत लोगों के दिमाग में ये आता है कि ये जो प्रोसेसर होगा वो स्मार्टफोन्स के लिए होगा, क्योंकि जब भी हम नाम सुनते हैं मोबाइल का तो हमारे दिमाग में स्मार्टफोन्स ही आते हैं। लेकिन मोबाइल डिवाइसेस का मतलब हर वो डिवाइस है जिसको लेकर कि आप घूम सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप, टैबलेट या फिर स्मार्टफोन्स। इन सारे डिवाइसेस को हम मोबाइल डिवाइसेस कहते हैं और मोबाइल प्रोसेसर इन्हीं डिवाइसेस के लिए बनाए जाते हैं। मोबाइल प्रोसेसर्स में कोर की संख्या कम रखी जाती है और हर कोर का फ्रीक्वेंसी रिलेटिवली कम होता है। इसका TDP मतलब ये प्रोसेसर कितना हीट जनरेट करेगा, ये भी काफ़ी कम होता है, और इनका बस स्पीड या फिर मेमोरी बैंडविड्थ भी कम होते हैं। इन्हें कम रखने की वजह ये है कि सबसे पहले तो ये मोबाइल प्रोसेसर्स हीट जनरेट नहीं करने चाहिए, क्योंकि आपको उन्हें लेके ट्रेवल करना है, आपको उन्हें लेके कैरी करना है। तो अगर कोई ह्यूमन किसी प्रोसेसर को लेकर कैरी कर रहा है, हाथ में मोबाइल लेकर चला रहा है या फिर अपने पैर पर लैपटॉप लेकर काम कर रहा है, तो कोर्स वो ज़्यादा हीटेड नहीं होना चाहिए। इस वजह से भी इनका कॉन्फ़िगरेशन कम दिया जाता है, या फिर अगर हम इन्हें ज़्यादा पावरफुल बना दें, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी दे दें, या ज़्यादा बस स्पीड या ज़्यादा मेमोरी बैंडविड्थ दे दें, तो ये ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करेंगे। मोबाइल डिवाइसेज में, मतलब लैपटॉप में या फिर टैबलेट में या फिर प्रोसेसर में, बैटरी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। भले ही प्रोसेसर का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा कम हो, लेकिन बैटरी लाइफ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। तो ये बात हो गई मोबाइल प्रोसेसर्स की। दूसरा आता है डेस्कटॉप प्रोसेसर्स। डेस्कटॉप प्रोसेसर में मोबाइल प्रोसेसर से रिलेटिवली ज़्यादा नंबर ऑफ कोर्स होते हैं और हर कोर का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है। इसका TDP भी ज़्यादा होता है। TDP मतलब ज़्यादा हीट जनरेट करता है, और इसका बस स्पीड और मेमोरी बैंडविड्थ भी मोबाइल प्रोसेसर से ज़्यादा होता है। चूँकि डेस्कटॉप प्रोसेसर बना होता है डेस्कटॉप के लिए, इसलिए चाहे ये जितना भी हीट जनरेट करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पर आप हीट सिंक वगैरह लगा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर TDP कोई मायने नहीं रखता। और जो डेस्कटॉप प्रोसेसर है वो कोई कैरिएबल बैटरी से चलाने के लिए तो है नहीं। डेस्कटॉप को तो चलना है आपके घर में मौजूद इलेक्ट्रिसिटी से, तो उसे बैटरी से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर बैटरी लाइफ का परफॉर्मेंस कोई मायने नहीं रखता, यहाँ पर CPU का ही परफॉर्मेंस ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पर बैटरी लाइफ को कंसिडर नहीं किया जाता, CPU के परफॉर्मेंस को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। तो ये रहा आपका डेस्कटॉप प्रोसेसर। तीसरी कैटेगरी में आता है सर्वर प्रोसेसर। सर्वर प्रोसेसर में अक्सर काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ कोर्स होते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसके बस स्पीड ज़्यादा होते हैं या फिर और कोई कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा होता है, लेकिन इसके रिलेटिवली ज़्यादा नंबर ऑफ कोर्स होते हैं, जैसे कि 28 कोर, 56 थ्रेड, इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है इसमें। लेकिन कुछ प्रोसेसर ऐसे भी हैं सर्वर कैटेगरी में जिनके कि 2 कोर 4 थ्रेड हैं। अब आप कहोगे कि ये 2 कोर 4 थ्रेड वाले प्रोसेसर हैं तो ये सर्वर कैटेगरी के प्रोसेसर कैसे हो गए, ये तो i3 से भी नीचे हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि सर्वर प्रोसेसर को इस बात को ध्यान रख के बनाया जाता है कि जो सर्वर होते हैं वो 24x7 चलने के लिए बने होते हैं। तो सर्वर प्रोसेसर को कुछ ऐसा डिजाइन किया जाता है कि अगर वो साल भर 24x7 चले भी तो उसमें कोई खराबी ना हो, एरर कंट्रोल वगैरह का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। तो सर्वर कैटेगरी के जो प्रोसेसर होते हैं उसमें हर तरह के प्रोसेसर पाए जाते हैं, 2 कोर 4 थ्रेड वाले भी प्रोसेसर पाए जाते हैं और 28 कोर 56 थ्रेड वाले भी प्रोसेसर पाए जाते हैं। बस उनका डिजाइनिंग थोड़ा अलग ढंग से किया जाता है ताकि वो 24x7 एक साल तक कंटिन्यूस चलते रहें और बिना रुके ही, बिना कोई एरर दिए वो एग्जीक्यूट करते रहें। अक्सर हम सर्वर कैटेगरी के प्रोसेसर में नंबर ऑफ कोर और नंबर ऑफ थ्रेड्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होता है पर कोर और पर थ्रेड वो कम रखा जाता है। तो इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ यूजर्स को तो मैनेज करना है, लेकिन हर यूजर का ज़्यादा काम नहीं है, इसीलिए नंबर ऑफ कोर्स तो ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ थ्रेड्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन पर कोर का जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ा कम रखा जाता है, क्योंकि उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है। जबकि डेस्कटॉप प्रोसेसर में क्या होता है कि कोर कम रखे जाते हैं लेकिन पर कोर का फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा रखा जाता है, क्योंकि जो डेस्कटॉप यूजर होते हैं वो ज़्यादातर CPU इंटेंसिव टास्क करना पसंद करते हैं। सर्वर प्रोसेसर के बाद हमारे पास है एम्बेडेड प्रोसेसर। एम्बेडेड प्रोसेसर में काफ़ी कम नंबर ऑफ कोर्स और थ्रेड्स होते हैं, जैसे कि एक कोर और एक थ्रेड। एम्बेडेड प्रोसेसर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं
जो कि कंप्यूटर की तरह नहीं दिखते, जैसे कि आपका टेलीविजन, आपका वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा, ये सारे इम्बेडेड सिस्टम्स हैं। और जो इम्बेडेड प्रोसेसर होते हैं वो इन्हीं के लिए बनाया जाता है। यहाँ पर इम्बेडेड प्रोसेसर को कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना होता है, इसीलिए इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसमें जो नंबर ऑफ थ्रेड्स वगैरह होते हैं, कोर्स थ्रेड्स वगैरह होते हैं, वो काफ़ी कम रखे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इंटेल और एएमडी के कौन कौन से मोबाइल प्रोसेसर, डेस्कटॉप प्रोसेसर, सर्वर प्रोसेसर और इम्बेडेड प्रोसेसर मार्केट में मौजूद हैं। ये मैं इंटेल के वेबसाइट पर हूँ, इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ प्रोडक्ट्स पर क्लिक करते हैं और फिर प्रोसेसर्स में जाते हैं। इंटेल में कई कैटेगरी के प्रोसेसर्स होते हैं, जैसे कि इंटेल के कोर प्रोसेसर, इंटेल के जियोन प्रोसेसर, इंटेल के एटम प्रोसेसर, पेंटियम, सेरेलॉन, इटेनियम और क्वार्क। तो ये सारे प्रोसेसर्स के कैटेगरीज हैं। हर एक कैटेगरी में कई सारे प्रोसेसर्स होते हैं, जैसे कि क्वार्क के कई सारे प्रोसेसर होंगे, पेंटियम के कई सारे प्रोसेसर्स होंगे। यहाँ जो कोर कैटेगरी के प्रोसेसर हैं उसमें अगेन कई सारे सब कैटेगरीज होते हैं, जैसे कि एक्स सीरीज, कोर i9, कोर i7, कोर i5, कोर i3, M3, V प्रो एक्सेट्रा। फिर जो जियोन कैटेगरी के प्रोसेसर हैं उसमें भी कई कैटेगरी के प्रोसेसर होते हैं, एटम कैटेगरी में भी कई कैटेगरी के प्रोसेसर होते हैं। और ये जितने सारे सब कैटेगरीज हैं इनके अंडर कई सारे प्रोसेसर होते हैं। अगर आप कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं तो आपने i3, i5, i7 या i9 का नाम जरूर सुना होगा। ऐसा माना जाता है कि i9 सुपीरियर है i7 से, i7 सुपीरियर है i5 से और i5 सुपीरियर है i3 से। फिर अगर बात करें इंटेल के कोर कैटेगरी की, तो ये जितने भी सब कैटेगरीज हैं सबके अलग अलग जनरेशन होते हैं, जैसे कि 7th जनरेशन i3, 8th जनरेशन i3, 9th जनरेशन i3 और अभी चल रहा है 10th जनरेशन i3। अलग अलग टाइम पर इंटेल अलग अलग जनरेशन लॉन्च करता है और हर जनरेशन में बहुत सारे i3, बहुत सारे i5, बहुत सारे i7 और बहुत सारे i9 को लॉन्च करता है। अभी जो लेटेस्ट जनरेशन है वो 10th जनरेशन चल रहा है, लेकिन i9 के लिए अभी लेटेस्ट जनरेशन 9th जनरेशन है, M3 के लिए अभी लेटेस्ट जनरेशन 8th जनरेशन है। और ये जो जनरेशन की बात है ये सिर्फ इंटेल के कोर कैटेगरी के लिए ही है, ये जियोन या फिर एटम या फिर पेंटियम वगैरह के लिए नहीं है। हालांकि इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी यहाँ पर हम लोग सिर्फ सीपीयू के वर्टिकल सेगमेंट फीचर के बारे में बात करते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना आपको जरूरी था ताकि आप समझ पाए कि इंटेल मार्केट में किस तरह से अपना सीपीयू बेचता है। तो सबसे पहले क्लिक करते हैं इंटेल i3 पर, राइट क्लिक, ओपन इन न्यू टैब। ये रहा आपका इंटेल i3 प्रोसेसर। तो यहाँ पर कई सारे i3 के प्रोसेसर हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कई सारे i3 के प्रोसेसर हैं, कुछ 10th जनरेशन के हैं और उसके बाद 9th जनरेशन के प्रोसेसर यहाँ मौजूद हैं। जो लेटेस्ट जनरेशन है वही यहाँ पर लिखा हुआ था 10th जनरेशन i3, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर 9th जनरेशन के i3 का भी लिस्टिंग है। तो अभी हम 10th जनरेशन i3 के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि 10th जनरेशन i3 में या 10th जनरेशन किसी भी i5, i7 में अभी डेस्कटॉप लेवल के प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। तो हम बात करेंगे 9th जनरेशन i3 के बारे में। 9th जनरेशन i3 में भी कई सारे प्रोसेसर हैं और i3, i5, i7 में डेस्कटॉप प्रोसेसर भी होते हैं और मोबाइल प्रोसेसर भी होते हैं। जैसे कि ये एक डेस्कटॉप प्रोसेसर है, मैं जानता हूं कि एक डेस्कटॉप प्रोसेसर है। चलिए इसे नए टैब में ओपन कर लेते हैं, फिर कुछ मोबाइल प्रोसेसर को देखा जाए। ये रहा मोबाइल प्रोसेसर, इसे भी नए टैब में ओपन कर लिया जाए। तो ये रहा i3 का डेस्कटॉप प्रोसेसर, आप देख सकते हैं वर्टिकल सेगमेंट डेस्कटॉप, और ये रहा i3 का मोबाइल प्रोसेसर, आप देख सकते हैं वर्टिकल सेगमेंट मोबाइल, और अंतर आप साफ देख सकते हैं। जो मोबाइल प्रोसेसर है उसमें 2 कोर और 4 थ्रेड है, और यहाँ पर जो डेस्कटॉप प्रोसेसर है उसमें 4 कोर और 4 थ्रेड है। 2 कोर 4 थ्रेड से कई गुना ज्यादा बेहतर होता है 4 कोर और 4 थ्रेड वाला सीपीयू। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रोसेसर का बेस फ्रीक्वेंसी है 2.1 GHz और टर्बो फ्रीक्वेंसी है 3.9। लेकिन अगर इसी को डेस्कटॉप प्रोसेसर में देखा जाए तो बेस फ्रीक्वेंसी है 3.2 और टर्बो फ्रीक्वेंसी है 3.8। तो देख सकते हैं कि कितना अंतर है दोनों में। यहाँ देखिए जो L3 कैश है वो भी डेस्कटॉप प्रोसेसर में ज़्यादा है मोबाइल प्रोसेसर से, और जो डेस्कटॉप प्रोसेसर है वो मोबाइल प्रोसेसर से कहीं ज़्यादा हीट जनरेट करता है, 35 वाट और 15 वाट। आप देख सकते हैं कितना अंतर है दोनों में। और भी कई सारे अंतर होते हैं,
मोबाइल प्रोसेसर और डेस्कटॉप प्रोसेसर में। लेकिन ये बात तो सिर्फ i3 की होगी, क्या i5 का मोबाइल प्रोसेसर i3 के डेस्कटॉप प्रोसेसर से कम स्ट्रॉन्ग होता है? हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो, तो आइए देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कोर i3 प्रोसेसर को ऑन किया था, यहाँ पर टैब ओपन करते हैं कोर i5 प्रोसेसर के लिए और देखते हैं कि इसकी क्या कहानी है। अगेन यहाँ भी कई सारे i5 प्रोसेसर हैं, कुछ 10th जनरेशन के हैं और कुछ 9th जनरेशन के हैं। यहाँ पर ये जो 6 कोर 6 थ्रेड वाला प्रोसेसर है वो डेस्कटॉप प्रोसेसर है, और एक 4 कोर 8 थ्रेड वाला प्रोसेसर होगा वो मोबाइल प्रोसेसर होगा। तो चलिए, आपके पास i5 का डेस्कटॉप प्रोसेसर है और i5 का मोबाइल प्रोसेसर। अब आइए कंपेयर करते हैं। अगेन अगर आप i5 से ही कंपेयर करेंगे तो डेस्कटॉप प्रोसेसर को ज़्यादा बेहतर पाएंगे मोबाइल प्रोसेसर से, और आप पाएंगे कि जो डेस्कटॉप प्रोसेसर है वो ज़्यादा हीट जनरेट कर रहा है मोबाइल प्रोसेसर के तुलना में। लेकिन क्या होगा अगर हम i3 के डेस्कटॉप प्रोसेसर को i5 के मोबाइल प्रोसेसर से कंपेयर करें? तो ये रहा i3 का डेस्कटॉप प्रोसेसर और ये रहा i5 का मोबाइल प्रोसेसर। 4 कोर और 4 थ्रेड, ओके। और ये रहा मोबाइल प्रोसेसर आपके i5 का, 4 कोर और 8 थ्रेड। तो थ्रेडिंग के मामले में थोड़ा बेहतर है i5 i3 के डेस्कटॉप से। लेकिन जो बेस फ्रीक्वेंसी है i3 के डेस्कटॉप का वो 3.2 GHz है, जबकि i5 के मोबाइल का बेस फ्रीक्वेंसी 2.4 GHz है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आप i5 में ही मोबाइल वर्सेस डेस्कटॉप करेंगे तो आपको डेस्कटॉप का परफॉर्मेंस मोबाइल से ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आप दो अलग अलग कैटेगरीज में डेस्कटॉप और मोबाइल को कंपेयर करते हैं, जैसे कि i3 के डेस्कटॉप को i5 के मोबाइल से कंपेयर करते हैं, तो दोनों लगभग इक्वल दिखाई देंगे। फिर अगर आप i3 के मोबाइल को i5 के मोबाइल से कंपेयर करते हैं तो i5 आपको i3 से बेहतर दिखाई देगा। i3 के डेस्कटॉप को i5 के डेस्कटॉप से कंपेयर करते हैं तो i5 आपको बेहतर दिखाई देगा। लेकिन अगर आप i3 के डेस्कटॉप को i5 के मोबाइल से कंपेयर करते हैं तो दोनों लगभग इक्वल दिखाई देंगे। इनफैक्ट बहुत सारे मायनों में आपको i3 का डेस्कटॉप प्रोसेसर i5 के मोबाइल प्रोसेसर से बेहतर दिखेगा। ठीक वैसे ही i7 में है। अगर हम i7 को ओपन करें इस कैटेगरी को, तो इसमें भी बहुत सारे प्रोसेसर हैं और 10th जनरेशन इसमें भी है, लेकिन 10th जनरेशन में सिर्फ मोबाइल प्रोसेसर है, इसलिए मैं 9th जनरेशन को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जो 8 कोर्स और 8 थ्रेड्स का सीपीयू है वो डेस्कटॉप प्रोसेसर है, और जबकि 6 कोर और 12 थ्रेड का जो सीपीयू है वो मोबाइल प्रोसेसर है। अब यहाँ भी ऐसा ही है, अगर आप i7 के डेस्कटॉप को i5 के डेस्कटॉप से कंपेयर करेंगे तो i7 आपको बेहतर दिखेगा। फिर अगर आप i7 के मोबाइल को i5 के मोबाइल से कंपेयर करेंगे तो i7 का मोबाइल आपको बेहतर दिखेगा। लेकिन अगर आप i7 के मोबाइल को i5 के डेस्कटॉप से कंपेयर करेंगे, आइए करके देख लेते हैं। i7 के मोबाइल को i5 के डेस्कटॉप से कंपेयर करना है, 6 कोर 6 थ्रेड, 6 कोर 12 थ्रेड, ठीक है। यहाँ थोड़ा बेहतर दिखाई दे रहा है। बेस फ्रीक्वेंसी 2.6, बेस फ्रीक्वेंसी 3 GHz, कैश 9 MB, कैश 12 MB, थोड़ा बेहतर दिखाई दे रहा है मोबाइल प्रोसेसर कुछ मायने में। लेकिन आप देख सकते हैं कि TDP 45 वाट है और i5 का जो TDP है डेस्कटॉप कैटेगरी में वो 65 वाट है। तो डेस्कटॉप का हमेशा ही जो TDP होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि परफॉर्मेंस से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। तो देखिए, अल्टीमेट यहाँ पर बात यह है कि अगर आपको कम कोर में डेस्कटॉप का प्रोसेसर चाहिए तो i3 के साथ जाइए, अगर आपको ज़्यादा कोर में डेस्कटॉप का प्रोसेसर चाहिए तो i5 या i7 के साथ जाइए। एक डेस्कटॉप का प्रोसेसर हमेशा ही ज़्यादा हीट जनरेट करता है, i3 वाला थोड़ा कम हीट जनरेट करेगा i5 से, i5 वाला थोड़ा कम हीट जनरेट करेगा i7 से। तो अगर आप i7 का डेस्कटॉप प्रोसेसर ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा बड़ा हीट सिंक चाहिए, ज़्यादा बड़ा कूलिंग सिस्टम चाहिए। i3 का डेस्कटॉप प्रोसेसर ले रहे हैं तो आपको कम कूलिंग सिस्टम, कम हीट सिंक चाहिए। लेकिन मोबाइल प्रोसेसर में परफॉर्मेंस को ध्यान में नहीं रखा जाता, वहाँ पर बैटरी लाइफ को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है, हीट को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है, इसीलिए पर कोर का जो क्लॉक रेट होता है उसको थोड़ा कम ही रखा जाता है। अब देखिए, बात ऐसा है कि अगर आपको कम कोर और कम थ्रेड का डेस्कटॉप प्रोसेसर चाहिए तो आप i3 में जाइए, कम कोर और कम थ्रेड का मोबाइल प्रोसेसर चाहिए तो आप i3 में जाइए। एक के मोबाइल को दूसरे के डेस्कटॉप से कंपेयर मत कीजिए। वैसे ही अगर आपको डेस्कटॉप के लिए ज़्यादा कोर और ज़्यादा थ्रेड्स के प्रोसेसर की ज़रूरत है तो आप i5 या i7 में जा सकते हैं, और यही बात मोबाइल प्रोसेसर के लिए भी वैलिड होता है।
मोबाइल प्रोसेसर और डेस्कटॉप प्रोसेसर को आपस में कंपेयर मत कीजिए। अब थोड़ा नजर डाल लें सर्वर प्रोसेसर पर। तो ये रहा सर्वर प्रोसेसर, जरा इसको ओपन करते हैं। इंटेल जियोन, ये रहा आपका सर्वर प्रोसेसर, कहाँ गया, यहाँ पर है। तो ये सारे आपके सर्वर प्रोसेसर हैं। अब आप इसे देख के कहोगे कि ये तो सर्वर का प्रोसेसर है, उसमें सिर्फ 2 कोर और 4 थ्रेड हैं, इसमें और i3 के डेस्कटॉप में क्या अंतर है? अंतर इतना ही है कि ये कुछ स्पेशल तरीके से बना है ताकि ये 24x7 हमेशा बिना कोई एरर जनरेट किए चलता रहे। i3 ऐसा नहीं बना है, यही अंतर है। फिर उसके बाद 8 कोर और 16 थ्रेड के प्रोसेसर हैं, जियोन के ही। कुछ प्रोसेसर इसमें काफी ज्यादा कोर और थ्रेड्स के भी होते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए 12 कोर और 24 थ्रेड के प्रोसेसर। लेकिन अगर हम इसे ओपन करें और देखें कि इसकी खासियत क्या है, इसके बेस फ्रीक्वेंसी वगैरह क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेस फ्रीक्वेंसी 2.2 GHz है, बहुत ज्यादा नहीं है। कई लोग होते हैं जिनको सर्वर का नाम सुन के लगता है कि अरे बाप रे क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, लेकिन यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है सर्वर प्रोसेसर का वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। कोर और थ्रेड्स ज्यादा रखे जाते हैं, TDP काफी होता है, क्योंकि परफॉर्मेंस में कोई भी यहाँ पर कमी बर्दाश्त नहीं की जाती है। इनकी कैश मेमोरीज भी काफी ज्यादा होती है। सर्वर प्रोसेसर में एक स्पेशल फीचर होता है ECC मेमोरी सपोर्टेड, और ये आपको हर एक सर्वर प्रोसेसर में मिल जाएगा, चाहे वो 2 कोर 4 थ्रेड का ही सर्वर प्रोसेसर क्यों ना हो, ये चीज आपको उसमें जरूर मिलेगा। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि सर्वर प्रोसेसर में स्पेशली मौजूद होते हैं, भले ही उसमें कम कोर और कम थ्रेड क्यों ना हो। प्रोसेसर के इन सारे फीचर्स पर मैं एक एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। अभी मैं बना रहा हूँ वर्टिकल सेगमेंट पर, और जैसा कि आप जानते होंगे अगर आप मेरे चैनल को देखते होंगे, तो सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी के सारे ही फीचर्स पर मैंने वीडियो बना रखा है। एटम भी सर्वर लेवल का ही प्रोसेसर है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, एटम भी सर्वर लेवल का ही प्रोसेसर है। तो ये रहा एटम, और इसकी कैटेगरी देखिए, कैटेगरी है सर्वर, यहाँ भी ECC मौजूद होगा। चलिए सर्च कर लेते हैं, यहाँ भी ECC मेमोरी सपोर्टेड मौजूद है। तो सर्वर लेवल के प्रोसेसर कितने भी कम कोर और थ्रेड के हो, ये देखिए सिर्फ 2 कोर और 2 थ्रेड का प्रोसेसर है, और ECC मेमोरी सपोर्टेड यहाँ भी मौजूद है, जो कि एरर को कंट्रोल करता है। तो ये सारे सर्वर लेवल के प्रोसेसर हैं, इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। एक हम लोग देख लेते हैं ये एम्बेडेड प्रोसेसर, क्वार्क। क्वार्क एक एम्बेडेड प्रोसेसर है, उसमें कई सारे प्रोसेसर हैं। देखिए 1 कोर 1 थ्रेड का प्रोसेसर, सारे 1 कोर 1 थ्रेड के प्रोसेसर हैं। कुछ में 16 KB या 8 KB का कैश है, कुछ में वो भी नहीं है, कैश है ही नहीं कुछ में, इसमें देखिए कैश है ही नहीं। तो आइए इनको जरा देख लेते हैं कि ये किस कैटेगरी के प्राणी है। ये रहा इंटेल क्वार्क का कोई एक CPU, एम्बेडेड कैटेगरी में आता है, 1 कोर है 1 थ्रेड है, बेस फ्रीक्वेंसी देखिए कितना कम है, 32 MHz। ओके, TDP दिया ही नहीं है, ये हीट लगभग जनरेट ही नहीं करेगा। तो इनका काम काफी बेसिक होता है, ज्यादातर हार्डवेयर लेवल का इंस्ट्रक्शन इनमें मौजूद होता है, जिस हार्डवेयर में लगे होते हैं उन्हीं के लेवल का इंस्ट्रक्शन इनमें मौजूद होता है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि इस तरह के जो प्रोसेसर हैं वो एम्बेडेड सिस्टम्स में पाए जाते हैं, जैसे कि आपके TV में या आपके रेफ्रिजरेटर में, आपके फ्रिज में, एक्सेट्रा। इसके अलावा जरा AMD पर भी थोड़ी नजरें घुमा ली जाए और देख ली जाए कि AMD में किस किस कैटेगरी के डिवाइसेस के लिए प्रोसेसर हैं। आइए देखते हैं AMD को जरा। AMD, ये रहा AMD का वेबसाइट। यहाँ पर जब आप प्रोसेसर में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप के लिए इतने सारे प्रोसेसर हैं, लैपटॉप के लिए हैं, वर्क स्टेशन कैटेगरी एक आता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, सर्वर जैसा ही होता है, सर्वर कैटेगरी है, एम्बेडेड कैटेगरी है, फिर ये अपना कुछ कस्टम बनाते भी हैं, इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ भी ये 4 कैटेगरी है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर और एम्बेडेड, और हर एक कैटेगरी में अपने अपने प्रोसेसर हैं। इन सारे प्रोसेसर के ऊपर मुझे वीडियोज बनाने हैं, जैसा कि मेरा प्लान है। तो उम्मीद करता हूं कि आप प्रोसेसर के वर्टिकल सेगमेंट को समझ गए होंगे और जान गए होंगे कि मोबाइल प्रोसेसर, डेस्कटॉप प्रोसेसर, सर्वर प्रोसेसर और एम्बेडेड प्रोसेसर क्या होते हैं, और इंटेल और AMD ने इन्हें किस तरह से मार्केट में फैला रखा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए IT सिंप्लीफाइड इन हिंदी। धन्यवाद।